हैं। हाँ नमस्कार दोस्तों, अपना टॉपिक जो चल रहा था समुद्र विज्ञान, समुद्री विज्ञान में एक टॉपिक तो हमने कर लिया था लवणता, दूसरा टॉपिक आज पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रवाल या प्रवाल भित्ति, जो भी हेस्टेड में लगता है। इसके आगे धाराएं पढ़ेंगे, धारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों में लगता है, सेकंड ग्रेड में भी लगता है और हेस्टेड में भी लगता है। धारा को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, हर बार प्रश्न आता है सेकंड ग्रेड में भी। अब जो फर्स्ट एड के वो जानते हैं प्रवाल क्या है। प्रवाल एक जीव है, समुद्री, इन्हें बोलते हैं सामुद्रिक वर्षावन, सामुद्रिक वर्षावन, यानी ये एक तरीके के समुद्री जीव होते हैं। कैसे पनपते हैं, इनकी क्या दशाएं होती है, कितने तरीके की होती है, ये अगर नॉर्मल हम देखें ना तो एक तो जीव होता है समुद्री, एक होता है जिसका नाम है कोरलाइट और तीसरा होती है रीफ। यानी एक तो जीव हो गया सीधा, और इन जीवों के बाहरी जो खोल होता है ना उसको कहा जाता है कोरलाइट, और रीफ होती है। प्रवाल क्या होता है, जैसे ये मान लो एक प्रवाल, ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, मरने के बाद ऐसे जमते जाते हैं ये, जैसे मधुमक्खी नहीं होती, मधुमक्खी के छत्ते टाइप में एक बन जाता है, वो होता है प्रवाल, एक तरीके से भित्ति या रीफ कह सकते हैं। ये जो रीप होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेते हैं। जो परवालों की जो रीप या भित्ति है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट में 50% जो होता है वो होता है जुक्सान्थलाइज सेवाल होता है, ये थोड़ा सा नाम याद रख लेना, डीपली अगर पूछे तो आपके हिसाब से। अब हम ये देखेंगे कि परवाल कहाँ पनपते हैं, सर ये कहाँ पनपेंगे, इनकी क्या दशाएं होगी, वो आपके याद करने योग्य चीजें हैं। देखो, ना तो प्रवाल गर्मी में पनपते हैं, ना सर्दी में पनपते हैं, ना बाहर ना भीतर, ना ज्यादा टेम्परेचर ना कम टेम्परेचर, ना स्वच्छ जल ना गंदा जल, ये इनकी विशेषता है एक तरीके से। कैसे, प्रवाल जो है वो 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ के बीच में ही पनपते हैं। कुछ किताबें 30 लिख देती है, एक ही बात है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 25 से 25 के बीच में लगभग प्रवाल पनपते हैं। प्रवालों के लिए ना ज़्यादा तापमान होना चाहिए ना ही कम तापमान होना चाहिए, यानी लगभग 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ना तो ये ऊपर पनपते हैं ना ही ज़्यादा गहराई में पनपते हैं, यानी लगभग इनके लिए गहराई की बात करें तो 200 से 250 फीट, यानी जिन्हें कह सकते हैं 66 से लगभग 77 मीटर। पूरी तरीके से स्वच्छ जल भी नहीं होना चाहिए, स्वच्छ होगा तो जैसे नदियों के मुहाने नहीं पनपते, क्योंकि अगर स्वच्छ जल हुआ तो फिर उन्हें खाने के लिए चीजें नहीं मिलेगी, यानी अवसाद वाला जल होना चाहिए थोड़ा सा इनके लिए, ये थोड़ी सी प्रवाल के अवसाद युक्त जल थोड़ा सा होना चाहिए जिसमें उनके खाने योग्य चीजें मिल जाए। टेम्परेचर ना ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, और इनके लिए लवणता ज्यादा होगी तो भी मर जाएंगे, कम होगी तो भी मर जाएंगे, यानी परवालों के लिए लगभग 27 से 30 ग्राम लवणता होनी चाहिए। अब देखो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एक बना के सीधा लिख लें इनको। परवाल 25 से 25 डिग्री साउथ के बीच में पनपते हैं। परवालों के लिए टी लिख के सीधा लिख देना, 20 से 21 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। परवालों के लिए ना ज्यादा गहराई ना कम 200 से 250 फीट होनी चाहिए, ना ही परवालों के लिए लवणता ज्यादा ना ही कम, लगभग 27 से 30 ग्राम लवणता होनी चाहिए। यानी हमने क्या पढ़ा, परवाल क्या है, सामुद्रिक वन है, इनके तीन प्रकार के ये है, थोड़े से नॉर्मल ऐसे ध्यान रख लेना, फिर ये दशाओं से प्रश्न थोड़ा ज्यादा पुटअप होता है। अरे आराम से 25 25 20 21 200 250 27 30 नॉर्मल है, आराम से एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। एक छोटी सी बात है, पूछी तो नहीं है, कभी नहीं पूछते ऐसे, इधर लिख देता हूं। एक तो होता है हर्मा प्रारूपी प्रवाल, ये वो प्रवाल होते हैं जो समूह में रहते हैं, यानी औपनिवेशिक प्रवाल बोलते हैं इन्हें। और एक होता है अहर्मा प्रारूपी प्रवाल, यानी एकांतवासी,
विश्व के लगभग प्रवाल जो है 55% प्रवाल प्रशांत महासागर में है और 30% प्रवाल हिंद महासागर में है। यानी सबसे पहले प्रवाल देखा, प्रवाल कहां पनपते हैं, अब देखते हैं क्या प्रवाल मरते भी हैं, बिल्कुल खत्म भी होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें ज्योग्राफी की भाषा में बोलेंगे विरंजक, यानी प्रवालों का विरंजक। यानी ये मान लो आप, सीधे मैं कहूं तो हरे रंग से अगर प्रवाल श्वेत रंग में हो गई यानी मर गई, यही विरंजक है। प्रवालों का हरे से श्वेत रंग में होना ही प्रवालों का विरंजक कहलाता है। सर ये विरंजक का क्या कारण है, बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है भूमंडलीय तापमान, तापमान बढ़ने से प्रवाल मरेंगे। एलिनो धाराओं की वजह से ही प्रवाल मरते हैं, जैसे 1983, 1987, 1998 में प्रवालों का विस्तृत रूप से विरंजन हुआ था। प्रवालों में कई बार रोग भी आ जाते हैं, सर एक दो नाम कोई, जैसे ब्लैक बेड रोग, कोरल प्लेग, कोरल माने प्रवाल ही होते हैं, एस्पर जिलोसिस, हाइट बैंड, ये प्रवालों के रोग है। प्रश्न तो यहां से बस इतना ही यार, प्रवाल विरंजक क्या है, प्रवालों का हरे से श्वेत रंग में होना ही प्रवाल विरंजक कहलाता है, बस इतना ही धारणा। यानी श्वेत रंग की हो गई इसका मतलब मर गई प्रवाल। जो जो मुख्य मुख्य तथ्य हैं वो सारे बता रहा हूं मैं, इनमें ज्यादा मैं बार बार करके और टाइम खराब नहीं करूं, जो तथ्य है वो सारे बता दूं कम टाइम में, तभी देखने का आनंद आता है। वीडियो एक डेढ़ घंटे का बेवजह कर दे टॉपिक को तो फिर आनंद नहीं आता थोड़ा सा देखने का। अब प्रवाल के प्रकार जो है, यहां से प्रश्न आता है, तीन प्रकार है लेकिन हमारे जो गाइड में है फर्स्ट एड में वो सिर्फ एक ही दे रखा है, प्रवाल भित्तीय एटोल, बस इतना ही दे रखा है, लेकिन हम तीनों देखेंगे। यहां से प्रश्न ध्यान रखना आप आ सकता है। पहला है तटीय प्रवाल, नंबर दो अवरोधक प्रवाल, और नंबर चार वल्याकार या एटोल प्रवाल। चार तीन प्रकार है हमारी फर्स्ट एड में, सिर्फ एक दे रखा है वल्याकार एटोल, हम तीनों देखेंगे, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तटीय प्रवाल, अवरोधक प्रवाल, वल्याकार प्रवाल। तटीय का देखो, ये मान लो भूमि का भाग है, कौन सा, तटीय भाग, ठीक है, और यहां तक मान लो समुन्द्र है, वो प्रवाल यहां पनपेंगे इस तरीके से, यानी तटीय प्रवाल जो होते हैं वो तट के नजदीक ही होते हैं, ये यानी लगभग अगर बात करें ना इनकी मोटाई तो 50 से 55 मीटर तक होती है। थोड़ा सो यहां जो बन जाती है लेगून बन जाती है, नॉर्मल सी ऐसे छोटी सी ऐसे लेगून बनती है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं बनती। यानी तट के नजदीक जो प्रवाल होते हैं वो तटीय प्रवाल होते हैं, कोई और प्रश्न यहां से नहीं बनता। अवरोधक प्रवाल होता तो ये भी तट पर ही है, ये समुन्द्र है और ये अपना स्थल भाग है, होते तो ये भी तट पर ही है लेकिन थोड़ा सा हटके, कोई ज्यादा नहीं लेकिन है तो तट पर ही, थोड़ा सा हटके है तट से। यानी ये मान लो इस तरीके से, यानी थोड़ा सा हटके हो जाएंगे तट से, मोटाई भी इनसे ज्यादा होगी, 50 मीटर से ज्यादा ही होगी इनकी मोटाई, और इनकी लेगून जो होती है वो ज्यादा हो जाती है इस तरीके से, यानी लेगून की गहराई लगभग 60 मीटर तक हो जाती है। इधर आंतरिक भाग में जो है वो तो इसकी गहराई लगभग 15 से 20 डिग्री कोण तक हो जाती है, और बाहरी साइड की जो है वो 45 डिग्री कोण तक हो जाती है, ये अवरोधक। लेकिन हमें क्या याद करना है, एग्जाम की दृष्टि से क्या याद करना है, वो एक ही चीज याद करनी है, वही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी वही पूछी गई है, बस प्रवाल से जो प्रश्न आता है वो बस यही याद करना है, कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया के यहाँ एक परवाल भीती है, सबसे इम्पोर्टेंट है इसका नाम, यानी ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी, ये उत्तर, यानी ये कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की उत्तर पूर्वी, कुछ किताबें पूर्वी लिख देती है, एक ही बात है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रहनी ही रहनी चाहिए, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, विश्व की सबसे बड़ी परवाल भीती ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व है। इसकी लंबाई लगभग 1920 किलोमीटर, कुछ किताबें 1900 लिखती है वो भी सही है, लगभग 1200 मील, इसकी एक एक चीज याद होनी चाहिए, 1920 किलोमीटर लंबाई है, लगभग 9 डिग्री से 22 डिग्री देशांतरों के बीच में है, ये लगभग 9 से 22 के बीच में, ये विश्व की सबसे बड़ी परवाल भीती है, 1920 किलोमीटर लंबी, 1200 मील है ये, ये यहाँ से तो दूरी है लगभग, यानी ये कौन सा भाग है, उत्तरी भाग में दूरी 80 मील है ऑस्ट्रेलिया के तट से, और दक्षिण में ओनली 7 मील। विश्व की सबसे बड़ी परवाल भीती ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई अगर बात करें 1920 या 1900 किलोमीटर है, और ये विश्व की सबसे लंबी परवाल भीती है, यहाँ बहुत पर्यटक आते हैं इस परवाल भीती को देख। सर दूसरी भी कोई है क्या? बिल्कुल, याद करो तो कर लेना, लेकिन आप एक ये याद रखना ग्रेट बैरियर रीफ। दूसरी बड़ी परवाल भीती है न्यू कैलिडोनिया, दूसरी बड़ी परवाल भीती का नाम है न्यू कैलिडोनिया, न्यू कैलिडोनिया दूसरी परवाल भीती, बड़ी परवाल भीती है न्यू कैले, एग्जाम की दृष्टि से राजस्थान पुलिस तक में ये पूछा जा चुका है, विश्व की सबसे बड़ी परवाल भीती कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। हमारे जो दे रखा है फैसलेट है वो सिर्फ यही दे रखा है, वल्याकार परवाल भीती, यानी ये समुद्री हिस्सा है इस तरीके से, ऐसे बनती है, ऐसे बना दो इसको। लेगून की गहराई भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी यहाँ, लगभग 40 से 70 फेदम तक। ये कैसी होती है? ये घोड़े की नाल जैसी होती है, ये थोड़ा ध्यान रखना, वल्याकार परवाल भीती घोड़े के नाल जैसी होती है ये, इसके ऊपर वृक्ष उग जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। कौन से सर? ताड़ के वृक्ष। तटीय परवाल भीती नॉर्मल है, अवरोधक परवाल भीती में इतना ही याद रखना है, विश्व की सबसे बड़ी परवाल भीती है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के 1920-1900 जो भी नॉर्मल बातें हैं, और वल्याकार एटोल परवाल भीती घोड़े की नाल जैसी होती है, इनके ऊपर ताड़ के वृक्ष उग जाते हैं और इनमें लेगून की गहराई भी ज़्यादा होती है 40 से लगभग 70 फेदम। ये कहाँ है ज़्यादा? ये है लाल सागर, इंडोनेशिया सागर, चीन सागर। विश्व की सबसे प्रसिद्ध एटोल कौन सी है? फुराफुटी एटोल। विश्व की सबसे प्रसिद्ध एटोल है फुराफुटी एटोल। ये थी परवाल से संबंधित मुख्य मुख्य चीजें, आराम से याद हो गई होगी, एक बार और देख लेना। परवाल समुद्री जीव है, सामुद्रिक वर्षावन बोलते हैं, थोड़े से इनकी दशाएं हैं, आराम से दिमाग में रखो कौन कौन सी दशाएं हैं। इसके बाद मेन जो चीज है वो परवालों के प्रकार है। अब परवालों से संबंधित सिद्धांत है, आप सिर्फ सिद्धांत और उनको किसने दिया ये याद रखना है, यही अपने पूछा गया है, स्कूल लेक्चरर तक इतना ही पूछा जाता है। देखो कौन कौन से, एक तो सिद्धांत है भू अवतलन सिद्धांत, डार्विन, डाने का भी नाम आता है लेकिन मेन डार्विन है। दूसरा है स्थिर स्थल सिद्धांत, मरे का और नाम आता है इसमें आगासाजी सेम्पर। तीसरा है अंतः सागरीय चबूतरा सिद्धांत, आगासाजी का है इसे भी, ये मरे का, ये मैंने ये ध्यान रखना इसमें। और है हिमानी नियंत्रण सिद्धांत दिल्ली। ये परवालों से संबंधित एग्जाम में एक बार ऐसे निम्न में से कौन सा सिद्धांत परवालों से संबंधित नहीं है और इनके कौन कौन देने वाले हैं, दो तीन बार पढ़ना। भूतल सिद्धांत डार्विन ने दिया, स्थिर स्थल सिद्धांत मरे ने दिया, अंतः सागरीय चबूतरा सिद्धांत आगासी, और हिमानी नियंत्रण सिद्धांत दिल्ली ने दिया था। दो तीन बार इनको पढ़ना,
फेसरेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जीके के लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है। भुआ उत्तलन सिद्धांत डार्विन का, स्थिर स्थल सिद्धांत मरे का, अंतःसागरीय चबूतरा सिद्धांत आगासा जी, हिमानी नियंत्रण। अब आगे वाला जो टॉपिक होगा वो अपना होगा धाराएं। ज़्यादा नहीं बचे हैं, अब समुद्री विज्ञान के 3-4 टॉपिक और बचे, आराम से पढ़ लेंगे, कोई समस्या नहीं। 2 बार पढ़ना आपको, फेसरेट वालों के लिए कोई बोरिंग नहीं है, बाकी के लिए थोड़ी समस्याएँ हो सकती हैं।